360 को स्वागत संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा देशरे होइथिबा ड्राई रन उपर अनुधान करुछंती सरकार खूब शीघ्र आरंभ होइजिबो टीकाकरण विभिन्न स्थान रे वैक्सीन स्टोर स्थिर होइथिबा होइसारिथिबा बेले 8 दिन भितरे देशरे टीकाकरण अभियान आरंभ होइ पारे बोली कहिछंती केंद्र स्वास्थ्य सचिव। आठ दिन भितरे देश में आरंभ हो पारे टीकाकरण वर्तमान सरकार ड्राई रन उपर अनुध्यान करा शेष होगा टीका दिजिव अनुमति केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश ही सूचना देखते दृष्टि देखा गले दुई तारीख में सारा देश में ड्राए रन सरी बेले तीन तारीख में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी वर्तमान केवल सरकार निष्पत्ति को अपेक्षा जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है जो कि 2 तारीख की एसईसी की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। कर्नल मुंबई कोलकाता और चेन्नई में 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर केन्द्र कर सारा देश में होइछि 37 वैक्सीन स्टोर केन्द्र 4 प्राथमिक स्टोर रु अन्य 37 स्टोर को आसीबो टीका तापर देशर विभिन्न स्थान को पठाजिबो स्वास्थ्यकर्मी और आगधाड़ी अन्य कोविड योद्धा को कोविन आप्लिकेसन रे पंजीकरण कराइबार आवश्यकता नहीं कारण सेमानंको डाटा पूर्वर सरकार को पाखरे रहिछि बोली कहिछंती केन्द्र स्वास्थ्य सचिव। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हेल्थ वर्कर्स और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं होगी क्योंकि इनका डाटाबेस जो है वो बल्क डाटाबेस है एंड हैज बीन पॉपुलेटेड ऑन टू द कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बल्क मैनर सो अवर डॉक्टर्स अवर नर्सेज अवर मेडिकल वर्कर्स नीड नॉट सेल्फ रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द कोविन प्लेटफॉर्म देयर डाटा हैज ऑलरेडी बीन प्री पॉपुलेटेड सिमिलरली अवर फ्रंटलाइन वर्कर्स विच मीन्स पीपल इन द आर्म्ड फोर्सेज इन स्टेट पुलिस in central police in municipal workers they also need not self register themselves because their bulk data is also getting pre populated bharat re made in india tika hi diya jibo kendra sarkar 2 tika ko anumati deithiba bale pfizer tika upare jae konosi nispatti hoi nahi tebe deshi tika ra raptani upare konosi pratibandhak nathiba spashta kari deichanti kendra swasthya sachiva covin हमने बनाया भारत में है लेकिन ये विश्व के लिए है ये एक पब्लिक हेल्थ गुड है तो जो देश भी इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे भारत सरकार प्रोएक्टिवली उनकी मदद करेगी इसके उपयोग में। देश टीकाकरण पर प्रस्तुत होता बेले कोरोनार प्रभाव कमिबारे लगी गत 24 घंटे 16,375 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होता बेले 201 जनकर मृत्यु होई नुआ स्ट्रेन आक्रांतों संख्या 58 रे पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। मासे भितरे राज्य को आसीपे कोरोना टीका तेणु कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकाकरण सरला प्रस्तुति सेशन साइटर रिपोर्ट देवाक जिलापाल एवं कमिश्नर को चिठी लिखी स्वास्थ्य विभाग सेपटे भुवनेश्वर 44 स्थान में टीकाकरण व्यवस्था करा जाउछि। कोरोना टीकाकरण लगी सरकार प्रस्तुत राज्य में रही 29,000 सेशन साइट राजधानी रे टीकाकरण 44 स्थान चिन्हट साइट फिजिबिलिटी जिलापाल स्वास्थ्य सचिव चिठी खूब शीघ्र आसीब कोरोना टीका कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकाकरण लगी प्रस्तुत राज्य सरकार पूर्वर ड्राई रन सरीता बेले एवं केवल टीका को अपेक्षा कर सरकार टीकाकरण राज्य में रही 29,000 सेशन साइट हेले प्रथम पर्यायर एत साइट आवश्यक हो नपे कई सेशन साइटर फिजिबिलिटी देखा जिलापा और महानगर निगम कमिशनर मान चिठी लिखिंट स्वास्थ्य सचिव सेशन साइट्रे प्रतीक्षा रूम टीकाकरण रूम और निरीक्षण रूम ठीक अच्छी ना नहीं ताहा परखिबे वरिष्ठ अधिकारी प्रथमे प्रतीक्षा रूम रे टीका पाइबा लोकों तथ्य जांच हेबो डाटाबेस रे सेमानको ना अच्छी कि नहीं चेक करा जिबो एहा परे टीकाकरण रूम रे टीकाकरण करा जिबो टीका दिया जिबा परे संपृक्त व्यक्ति को निरीक्षण रूम रे 30 मिनिट रखा जिबो कौनसी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा न देले सेमानको छोड़ा जिबो कोरोना टीकाकरण पई राज्य प्रस्तुति सारिथिबा बेले स्वास्थ्य निर्देशक कहिसेंती जे
मास शेष सुधा टीका आसी वैक्सीनेशन कोटे करा जीवो ऑलरेडी सेशन साइट तैयार हो छि एवं वैक्सीनेटर भी जो माने ऑलरेडी सेमनगर लिस्ट हो सारी छि किंतु एही जो प्रक्रिया टा छि हमरो जो जो इलेक्शन मोड रे करबा हमरो वैक्सीनेशन प्रति सेशन पे हमकु दरकार गोटे वेटिंग रूम दरकार गोटे वैक्सीनेशन रूम दरकार आ गोटे ऑब्जर्वेशन रूम दरकार तीनटा रूम दरकार सो आमे वर्तमान जते सेशन साइट करिचु सेई थ्रू आमे देखिबो जे कोडाग ऑल फिजिबिलिटी अछि जे ऑल दिस थ्री रूम सही परिबो एवं कोई सेशन साइट को वैक्सीनेटर को दिया जीवो दैट हैज टू बी क्लियरली प्रिपेयर्ड नाउ सेपटे राजधानी रे टीकाकरण पई चली छि पूर्व प्रस्तुति भुवनेश्वर रे 18 टी प्रमुख हॉस्पिटल एवं 26 टी पीएससी सीएससी को टीकाकरण पई चिन्हट करा जाय छि 25 रु 27 हजार स्वास्थ्यकर्मी को टीका देबा लागि व्यवस्था करा जीवो एनै सब प्रकार डाटाबेस प्रस्तुति सरी छि सरकार को पक्षरु जहां निर्देश आसीबो से अनुसार टीकाकरण करा जीवो बोली कहिसेंति बीएमसी कमिश्नर जेहेतु प्रथम फेजटा होउछि वैक्सीनेशन करा जीवो हेल्थ वर्कर्स एंड जो डॉक्टर्स नर्सेज ए मानकर तो हमार सब 18टा बड़ो बड़ो हॉस्पिटल प्लस ये सीएससी पीएससी ये सब हमार वैक्सीनेशन सेंटर हेबे तार सब रेकी हेई सारी छि पाखापाखि 25 टू 27 हजार लोकंकर आइडेंटिफिकेशन हेई छि प्राथमिक स्तर रे प्रस्तुत होइतिबा डाटाबेस अनुसार समस्त स्वास्थ्यकर्मी को टीका देबा पई केन्द्र पाखरे दाबी करिछि राज्य वयस्क और सम्मुख योद्धा डाटाबेस परवर्ती पर्यायर प्रस्तुत हो बोली कहिछन्ति सरकार भुवनेश्वर कैमरामैन गौरव प्रसाद राजगुरु और आदित्य बारिकों सह सुबलक्ष्मी बड़ और अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया कोरोना पई भारत अगस्त बातिल कले ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एथरर साधारणतंत्र दिवस रे मुख्य अतिथि होइथांते से तेबे कोरोना पई से गस्त बातिल करि देथिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करी दुख प्रकाश करिसेंति ब्रिटेन रे कोरोना रो नुआ स्ट्रेन देखा देथिबा बेले सेठाकर परिस्थिति जटिल गतकाली ठारो पूणी सारा देश रे लॉकडाउन जारी करा जायछि एभळी स्थिति रे निज देश छाडी बाहर को आसीबा को पसंद करि नहंती बोरिस जॉनसन तेबे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत न आसुथिले मध्य दुई देश मध्यरे द्विपाक्षिक संपर्क प्रभावित हेबो नाही बोली कहिसेंति एहा सह वर्तमान परिस्थिति रे कोरोना रो मुकाबला ही सबु देशर मुख्य कर्तव्य बोली कहिसेंति ब्रिटेन सरकार को मुखपात्र चलित वर्ष शेष आड़ को ब्रिटेन अध्यक्षता रे हेबा को जाउची G7 बैठक तबे ता पूर्वरु से भारत गस्त रे आसी पारंती बोली संकेत देछंति बोरिस जॉनसन परवर्ती खबर ऊपर नजर पकाएबा जनवरी 29 रु संसदर बजेट अधिवेशन प्रथम दिन अर्थात जनवरी 29 रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सदन को संबोधन करिवे फेब्रुवारी 1 रे 2021-22 वर्ष पई पूर्णांक बजेट उपस्थापन करिवे केंद्रमंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना माड़ रे देशर अर्थनीति दोहली जायतिबा बेले बजेट रे लोकों को आश्वस्ति पई चेष्टा करिवे सरकार अन्यपटे 2020 रे सरकार कोरोना पई मौसमी अधिवेशन को अधारो बंद करथिले सेही परिस्थित अधिवेशन को सरकार आगदम डाकि नथिले एबे 29 रु आरंभ हेबाकु थिबा बजेट अधिवेशन रे विरोधी दलगुडीक सरकार को विभिन्न प्रसंग रे घेरिबाकु लक्ष्य रखिछन्ति एथिसह कृषकंक विरोध कु नै विशृंखलित दृश्य देखिबाकु मिलि पारे पुणी कांग्रेस रो मंग धरि पारंती राहुल गांधी दुई तीन दिन मध्यरे बसिपारे कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक राहुल को एआईसीसी अध्यक्ष करबा को पुणी कांग्रेस रे चालीची योजना कार्यकारिणी बैठक रे एआईसीसी रो सदस्य माने अध्यक्ष चयन करिवे 2022 पर्यंत अध्यक्ष पई कांग्रेस रे उपनिर्वाचन हेबा एथि पई प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंचथिबा कहा जाउछि 2017 रु कांग्रेस रो अध्यक्ष थिले राहुल गांधी तेबे 2019 साधारण निर्वाचन रे दल रो सोचनीय पराजय परे मे मास रे से इस्तफा देथिले एबे तांको मा सोनिया गांधी अछंती एआईसीसी रो मध्यवर्ती कालीन अध्यक्ष एथि सहित यूपीए रो अध्यक्ष मध्य अछंती सोनिया तेबे वयस अधिक स्वास्थ्य अवस्था कारण रु सोनिया दल रो दलीय व्यापार बुझि पारु नहंती आउ एभली स्थिति रे कांग्रेस रो अधिकांश नेता राहुल गांधी नेतृत्व नेबाकु चाहंती किंतु राहुल सेथि पई राजी हो नथिबा जणा पड़ी निकट रे कांग्रेस तर प्रतिष्ठा दिवस पालन करथिला किंतु प्रतिष्ठा दिवस रे शामिल होइ नथिले राहुल गांधी विदेश रो कोनोसी को स्थान को से जाइतिबा बेले दल एबे कार्यकारिणी बैठक प्रस्तुति रे लागिछि किसकी चुनौतियों के लिए पार्टी को तैयार करने के लिए पूरे देश का प्रत्येक कांग्रेस जन
और नौजवान इस बात के लिए अभिभूत है कि राहुल गांधी कब अपनी स्वीकृति देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही राहुल गांधी हमारी कांग्रेस की बागडोर संभाले और हार जीत से परे हम कांग्रेस को फिर देश की जनता के सामने एक आंदोलन के रूप में लेकर के जाना चाहते हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि राहुल जी कांग्रेस की बागडोर को संभालें, कांग्रेस अध्यक्ष बने। ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यही इच्छा है, चाहे वो युवा पीढ़ी के लोग हों चाहे वो बुजुर्ग लोग। खसला दीदी कैबिनेट रो गोटे विकेट। पश्चिमबंग क्रीड़ा राष्ट्रमंत्री पदर इस्तफा दे लक्ष्मीरतन शुक्ला। शुभेन्दु अधिकारी लक्ष्मीरतन पदक्षेप निर्वाचन पूर्वर तृणमूल कांग्रेस को देखी झटका। तेज लक्ष्मीरतन बीजेपी मिशे कि नहीं ताकूनी कल्पना जल्पना लगि रही बेले से कितु कहते आ राजनीति करे क्रिकेट उपर ध्यान देवे। तेज 39 वर्ष बैटिंग करेंगे लक्ष्मीरतन तावल समय ही कह। प्रथम पदार्पण में बीजेपी रूपा गांगुली को से देते मात। हावड़ा उत्तर विधानसभा आसन 30,000 भोट व्यवधान में जितवा पर दीदी कराई मंत्री। क्रिकेट फिल्ड राजनीति को आसीव मुख्यमंत्री ममता बानर्जी लक्ष्मीरतन शुक्ला को कैबिनेट स्थान देते क्रीड़ा राष्ट्रमंत्री करते किंतु एवं निर्वाचन को मात्र मस कईटा बाकी बेले मंत्री पदर इस्तफा दे लक्ष्मीरतन शुक्ला। खाली मंत्री पदर नुहे हावड़ार तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पदर से इस्तफा। शुभेन्दु अधिकारी द्वितीय मंत्री भाव निर्वाचन पूर्व दीदी कैबिनेट को बाय बाय कर लक्ष्मीरतन शुक्ला। तेरे कहीं से निष्पत्ति ने शुभेन्दु भाई लक्ष्मीरतन किसी योजना रही कि लक्ष्मीरतन बीजेपी में मिशे कि नहीं ताकू पश्चिमबंग राजनीति में कल्पना जल्पना देखादे कि से कहते आउ राजनीति करें एवं खेल प्रति ध्यान देवे। तेज 39 वर्ष बयस बैटिंग करेंगे सेपटे लक्ष्मीरतन आखपाख लोक कहवा कथा मंत्री भाव से काले स्वाधीन भाव काम कर सुजोग पाइले जो एभली पदक्षेप नहीं। लक्ष्मीरतन मंत्री पदर इस्तफा देते मुख्यमंत्री ममता बानर्जी किंतु क्यारेक्टर सर्टिफिकेट रे गुड लिखिंट लक्ष्मी जड़े भल व्यक्तित्व क्रिकेट प्रति अधिक ध्यान देवा इच्छा कर से इस्तफा देखते इस्तफा पत्र राज्यपाल पाखक पठाई दी जाती ममता बानर्जी। सेपटे टीएमसी सांसद सौगत राय और समवाय मंत्री अरूप राय कहवा कथा निर्वाचन पूर्व मंत्रिमंडल लक्ष्मीरतन शुक्ला इस्तफा दल पर शुभंकर नुहे। किसी दिन तले केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह कहते निर्वाचन बेलू दीदी एकुटिया हो जाए शुभेन्दु पर गले लक्ष्मीरतन शुक्ला आउ एवं जंगल व्यापार मंत्री राजीव बानर्जी दल छाड़ गोड़ टेकिता बेले बुझासुझा कराइबार लगी तृणमूल कांग्रेस सेक्रेटरी जनरल पार्थ चाटर्जी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। बुलेटिन वर्तमान समय छोटिया ब्रेक स्वागत। अड़ुआ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी समवा विभाग आर्थिक अनियमितता मामलें छंदी होती विष्णुपद समवा सचिव थे नाँ बेआईन टंका उठाण अभोग दुई मस रिपोर्ट देवाक तदंत निर्देशकों निर्देश देते लोकायुक्त राज्य समवा बैंक से लक्ष लक्ष टा नहीं अभोग मेडिका बिल बाबद को बोर्डर बिना अनुमति में नहीं 9.46 लाख टा नियमित कर्मचारी न हो बैंक पारितोषिक नहीं अभोग तेज बेआईन भाव में अर्थ ने अभोग को विष्णुपद खंडन कर। नयागढ़ बहुचर्चित नाबालिका दुष्कर्म और हत्या मामला नयागढ़ जिला जुभेनाइल बोर्ड अभियुक्त नाबालक को अनुगुल जुभेनाइल जस्टिस होम को पठाई तेरे जनवरी 8 में पुणी जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड में हाजर हेबो नाबालक अभियुक्त से दिन अभियुक्त नार्को टेस्ट पाई एसआईटी आवेदन उपर विचार हेबो जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड बोर्ड रे ही चलो मामलार विचार। आज पक्सो कोर्ट अभियुक्त को नाबालक दर्शाई अभियुक्त ओरिजिनल स्कूल सर्टिफिकेट और जन्मगत प्रमाणपत्र को परीक्षा करने राय देखते कोर्ट अभियुक्त 18 वर्ष कम हो जुभेनाइल कोर्ट में हाजर करने को एसआईटी को निर्देश देते बयस नहीं अभियुक्त स्कूल सर्टिफिकेट जन्म प्रमाणपत्र दि जाए अभियुक्त माँ और भौणी बयान रेकर्ड
नयागढ़ नाबालिका दुष्कर्म और हत्या मामलें एसआईटी अभियुक्त को गिरफ करने कोर्टे सबालक दर्शाई चैलेंज करते अभियुक्त वकिल सी तो आर्तन रही साधारण जेल कैदी भली रही ना से सुधार गृह को जीवे एवं सुधार गृह रे आठ तारिख दिन से पुणी एठार उपस्थित हे कारण से दिन गोटे शुणी रही नार्कोटिक टेस्ट जोटा करने एस आई टी जो आवेदन करापर विचार हम तेणु से आठ तारिख को रही तारीख रही सुधार गृह अनुगुल से गले बहुचर्चित महांगा डबल मर्डर घटनार पर्दाफाश कर कटक ग्रामांचल पुलिस मामलें मुख्य अभियुक्त पंचानंद सेठी समेत मोट चार अभियुक्त गिरफ्त कर पूर्व शत्रुता को केन्द्रको हत्याकांड होता कटक ग्रामांचल एसपी महांगा डबल मर्डर हत्या मामला मुख्य अभियुक्त चार गिरफ योजनाबद्ध भावे करा जायतिला हत्या बहुदिन विवाद को नहीं हत्याकांड महांगा ब्लॉक पूर्वतन अध्यक्ष तथा बीजेपी नेता कुलमणि बराल और तांको सहयोगी दिव्यसिंह बराल हत्याकांड उपरु पर्दा हटाई कटक ग्रामांचल पुलिस मुख्य अभियुक्त पंचानन सेठी सह अरविंद खटुआ खिति साचार्य एवं ललित मोहन बराल को गिरफ्त कर पंचानन को धर्मशाला गिरफ्त कर पुलिस से ही अन्य अभियुक्त को कटक और भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में रेड कर धरी पुलिस पंचानन को गिरफ्त करने पुलिस हत्याकांड स्थल को नहीं तदंत कर पुलिस को नहीं स्थानीय जयकोटी केनाल बंध निकट को जाता मुख्य अभियुक्त सेठार एक बुदा मूल हत्यार व्यवहृत एक खंडा को बाहर कर साइंटिफिक टीम स्पॉट को जाइथिला और डिफरेंट एविडेंस समय स्पॉट रो हमें कलेक्ट करथिलु और पांचोटी टीम भी गठन करा जाइथिला और पांचोटी टीम डिफरेंट एरियास रे रेड करथिले और विद इन 48 आवर्स रे हमें अक्यूज मानन को धरिबा को सक्सेसफुल हेचो ए इंक्लूडिंग द मेन अक्यूज मुख्य अभियुक्त पंचानन ओ कुलमणि को गोष्ठी को मध्यरे दीर्घ दिन धरि विवाद लागि रहिथिला कुलमणि पुओ रमाकांत और पंचानन मध्य गत मास 27 तारीख में होता संघर्ष ही हत्याकांड पछर मूल कारण बोली पुलिस कही घटना पर रमाकांत घर बाहर ना बेले कुलमणि को हत्या योजना प्रस्तुत कर पंचानन एथिपाई से किसी लोकों सहयोग नहीं कुलमणि प्रति गतिविधि उपर नजर रखिता गत 2 तारीख राति कुलमणि निज सहयोगी दिव्य सिंह जयकोटी निज घर नूतांग को बैक फेरुवा समय से आक्रमण पंचानन एवं सहयोगी माने खंडारे कुलमणि एवं दिव्य सिंह को आक्रमण कर फेरार हो जाते अन्य अभियुक्त को खूब शीघ्र गिरफ्त करती कटक ग्रामांचल एसपी ए केस रे जो मर्डर करने जो वेपन यूज कर वेपन भी हमें स्वर्ड से भी सीज कर बैंबू लाठी भी सीज कर दुईटा मोटरसाइकिल और चारोटी मोबाइल फोन्स एंड अन्य जिनस हमें सीज कर और ये केस रो इन्वेस्टिगेशन चली छि हमें आपन को फर्दर डिटेल्स हमें मीडिया माध्यम रे जणाइ छि गिरफ चार जण को मध्यरु 3 जण को ना एतला रे थिला तेबे अन्यतम अभियुक्त अरविंद खटुआ रो ना एतला रे नथिला हत्याकांड पछर प्रकृत कारण कोन ताहा तो पुलिस पक्षर किछि भी स्पष्ट करा जाय नाही किंतु पुलिस तदंतरु जहाँ स्पष्ट होइछि गोटे कथा ही कहा जाए जे स्थानीय अंचल रे कहार वर्चस्व रहिब कहार दबदबा अधिकार रहिब ए नै कि दुई गोष्ठी मध्य लागिथिबा दीर्घ दिन छकापंजा ए हत्याकांडर रूप नैथिला महांगारु नवेश महांती न्यूज 18 ओडिया लोकार्पित होईछि कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे एही पाइपलाइन रो लोकार्पण करिछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 450 किलोमीटर लंब एही पाइपलाइन पई 3000 कोटी टंका खर्च होईछि गेल इंडिया पक्षरु एहार निर्माण करा जायछि एहा द्वारा 10टी जिल्ला रे परिवेश सहयोगी ईंधन रो जोगाण होई पारिबो मिलमिशि काम कले कोनोसी कार्य असंभव नुहे बोली कहिछन्ती प्रधानमंत्री दुई राज्यर विकास रे एहा बड़ भूमिका निभाइबो प्रदूषण कम करबा सहित
ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନର ବିକାଶ ଆଣିବ ଏହି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସବୁଜ ମାର୍ଗ ଦିଗରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବା ସହିତ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଭିଯାନର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ଭାରତ 360 କୁ ଏଟ ରଖିବା।